बहुत दिनों के बाद हमारे कलर की हीरोइन आ रही है फिल्म में, भैंस। तो इस बात की खुशी है मुझे, मिस थनकपुर, और कॉमेडी से भरपूर फिल्म है। हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं इस फिल्म को, चर्चित फिल्म को देखने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये फिल्म सबको पसंद आएगी। बिल्कुल, इस टाइप की जो फिल्म बनती है उसमें समाज के डार्क साइड को उजागर किया जाता है, इसलिए भैंस का सहारा लिया गया है डार्क साइड को, ताकि एक अलग तरह से दिखाया जा सके। भाई मैं तो एक ही बात मानता हूँ, जैसे अभी आई थी तनु वेट्स मनु, कहानी और स्टोरी और फिल्म की जो बनावट थी वो सबसे ज़्यादा पसंद की गई है। तो अब वो ज़माना नहीं रहा कि सिर्फ स्टार कास्ट की फिल्म ही चले। अगर फिल्म की कहानी अच्छी है तो मुझे लगता है कि फिल्म की कहानी को लोग बहुत पसंद करते हैं और लोग देखने आते हैं। अभी तक तो, क्योंकि अभी तो जस्ट फर्स्ट लुक है मेरे ख्याल से, तो आज मैं देखूँगा और मैं बहुत एक्साइटेड इसकी प्रोमो देखकर ही था। मिस टनकपुर हाजिर हो, मतलब भैंस को लेकर एक फिल्म बन रही है, तो मुझे लग रहा था कि यार कुछ तो अलग होगा ये। मैं तो यही कहना चाहूँगा इस फिल्म के लिए कि एक तो बहुत अच्छा स्टार कास्ट, बहुत ज़बरदस्त कलाकार, सब मंझे हुए कलाकार, ऊपर से भैंस को लेकर कुछ नया एक्सपेरिमेंट, तो मुझे लगता है कि, और कहानी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है कि ये हंगामा होगा।